आसमान में छाए बादल छटते ही शहर का तापमान 3 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज में हो गया। एक बार फिर से जशपुर शहर का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री तक गिर चुका है। इधर पंडारा पाट में भी न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आसमान साफ होने की वजह से तापमान पर अब फिर से ओस की बूंदे जमने लगेगी। शनिवार की सुबह से जशपुर शहर सहित समूचे पहाड़ी इलाके में पाला जमने से पूरी धरती सफेद नजर आएगी। इधर मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के कई जशपुर सहित कई जिलों के लिए 8 जनवरी को येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान घने कोहरे के चलते जो है शीतलहर चलने की भी संभावना है। वर्तमान में भी जिलेवासी शीतलहर का सामना कर रहे हैं। पांडरा पाट जिले का सबसे ऊंचा स्थान है। समुद्र तल से करीब 3500 मीटर ऊंचे स्थान का तापमान 1.5 डिग्री तक गिर चुका है। इधर जिले के मैदानी इलाके कांसाबेल और पत्थल गांव में भी न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री पर है। समूचे इलाके में कड़ाके की ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। जशपुर शहर और पहाड़ी इलाके में ठंड की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। शीतलहर की वजह से दोपहर में सिर्फ 3 घंटे लोगों को धूप में थोड़ी राहत मिल पा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र डूमरबहार के मौसम विशेषज्ञ शिव कुमार बुआर के अनुसार अगले 48 घंटे उत्तरी छत्तीसगढ़ येलो अलर्ट पर है।